हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 11 को मल्टीप्लाई करने की सिंपल एंड इजी ट्रिक। तो फर्स्ट टर्म हमने ये ले ली, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 11। अब हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है एज इट इज़ रहेगी, और 1 प्लस 2 3 होता है, एंड 2 प्लस 3 5, एंड 4 प्लस 3 7, एंड 4 प्लस 5 9, एंड 6 प्लस 5 11। नाउ कैरी चली जाएगी इसके नीचे, तो 9 प्लस 1 10 होता है ना, तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 9 प्लस 1 0, और फिर आगे चले जाए कैरी, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, एंड 5 एज इट इज़, एंड 3 भी एज इट इज़, एंड 1 भी एज इट इज़। और अब लास्ट डिजिट भी लास्ट में लिखते हैं, जो 6 है लास्ट में उसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके जो है आंसर आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो आपको बहुत लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा, तो ये बहुत ईजी ट्रिक है। अब हमने लिया 45 मल्टीप्लाई 11, फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ 4 एज इट इज़ किया, एंड 4 प्लस 5 9, एंड लास्ट वाली डिजिट भी सेम लिख ली 5। और 6 अगली टर्म लेते हैं, 65 मल्टीप्लाई 11, 6 एज इट इज़ लिख लिया, एंड 6 प्लस 5 11 होता है, 1 आगे कैरी चली जाएगी, एक 7, और 5 लास्ट टर्म जो है एज इट इज़ लिख लेंगे, तो 715 हमारे पास आंसर आ गया। और अब हमने लिया 393 मल्टीप्लाई 11, और इसमें भी हम फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ लिख लेंगे, 3 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब पता है आपको 9 प्लस 3 12 होता है, 2, और 1 कैरी आगे चली जाएगी, और फिर से 9 प्लस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 कैरी आगे चली जाएगी, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, 2 प्लस 1 3, एंड 2, और लास्ट डिजिट मैंने आपको बताया वैसे ही लिखते हैं, तो हमारे पास आंसर है 4323। ऑलराइट, अब हमने ले लिया एक और एग्जांपल, 46 मल्टीप्लाई 11, फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ 4, एंड 4 प्लस 6 10, एंड 0, 1 कैरी आगे चलेगी, और लास्ट डिजिट एज इट इज़, और हमारे पास आंसर आ गया 506। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज 606 मल्टीप्लाई 11, तो 6 एज इट इज़ लिख लेंगे, एंड 6 प्लस 0 6, एंड 0 प्लस 6 6, और लास्ट डिजिट सेम लिख लेंगे, और 6666 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसे मिलता जुलता ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 303 मल्टीप्लाई 11, 3 एज इट इज़ लिख लेंगे, एंड 3 प्लस 0 3, एंड सॉरी यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 3 प्लस 0 3 लिख लेंगे, एंड 0 प्लस 3 3 ही आएगा, और लास्ट डिजिट एज इट इज़ रखेंगे, 0 नहीं होगा यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर आ गया 3333। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आया होगा।